बेनबेरी, बेनबेरी परमाणु परीक्षण जो भीषण हादसे में बदल गया। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु बम विस्फोट से जो तबाही आई थी, उसको देखकर इस बात का अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि परमाणु हथियार बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिनसे जान और माल दोनों का भारी नुकसान होता है। इस दुनिया में जो भी देश परमाणु हथियारों का निर्माण करते हैं, वो एक बार उन्हें टेस्ट करके जरूर देखते हैं, लेकिन ये टेस्ट भले ही कितने भी सुरक्षात्मक तरीके से क्यों ना हो, इनके दौरान जरा सी गड़बड़ भी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। 1970 में अमेरिका में हुए बेनबेरी टेस्ट के दौरान भी ऐसा ही गड़बड़ हादसा सामने आया, जिसके बाद से ही इसे अमेरिकी इतिहास के सबसे खतरनाक परमाणु हादसों में से एक माना जाता है। तो चलिए जानते हैं 1970 में हुए इसी हादसे के बारे में। जैसे ही इस दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों द्वारा परमाणु हथियारों का निर्माण कर लिया गया, तब उनके लिए इन हथियारों की क्षमता को मालूम करना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऐसा करके ही वो खुद को दुश्मनों से सुरक्षित रख सकते थे। यही वो वजह थी जिसके चलते इन चुनिंदा देशों ने पानी, जमीन और धरती के अंदर परमाणु परीक्षण करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही सालों बाद एक दौर ऐसा भी आया जब परमाणु परीक्षण करने वाले देश इस बात को भांप गए कि इस तरह से हर जगह परमाणु परीक्षण करना ना सिर्फ वातावरण के लिए नुकसानदायक हो रहा है, बल्कि इससे हम इंसानों के ऊपर भी गहरा असर पड़ रहा है। इस सब को देखते हुए साल 1963 में यूएस, सोवियत यूनियन और यूके द्वारा एक ऐसी पार्शियल न्यूक्लियर ट्रीटी साइन की गई, जिसका मकसद जमीन, पानी और अंतरिक्ष में ऐसे टेस्ट्स को रोकना था। इस ट्रीटी में इस बात को माना गया कि जमीन, पानी और अंतरिक्ष में होने वाले परमाणु परीक्षण हम इंसानों के लिए एक ऐसा मौत का कुआं साबित हो सकते हैं जिसे हम स्वयं खोद रहे हैं। जब यह ट्रीटी साइन हो गई, तब उसके बाद अब परमाणु संपन्न देशों के पास सिर्फ जमीन के अंदर परमाणु परीक्षण करने का विकल्प था, क्योंकि उस वक्त ऐसा माना जाता था कि जमीन के अंदर हुए परमाणु परीक्षणों में वातावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि इन परमाणु परीक्षणों से निकलने वाली खतरनाक रेडिएशंस हवा में एक्सपोज नहीं होती। इसी ट्रीटी के हिसाब से आगे बढ़ते अब सभी देशों ने जमीन के अंदर परमाणु परीक्षणों की शुरुआत कर दी, और इस रेस में अमेरिका भी पीछे नहीं था, क्योंकि वो जल्द ही जमीन के अंदर एक दमदार परीक्षण की योजना बना रहा था। 18 दिसंबर 1970 के दिन वो समय आ ही गया जब अमेरिका की आर्मी और वैज्ञानिकों की एक टीम आखिरकार एक परमाणु परीक्षण को अंजाम देने जा रही थी। इस परीक्षण के लिए अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा नेवादा टेस्ट साइट को चुना, और वो परमाणु वैज्ञानिकों समेत इस टेस्ट साइट के यूका फ्लैट्स एरिया में पहुंची, जहां पर उन्हें इस अंडरग्राउंड टेस्ट को अंजाम देना था। दोस्तों, इस परमाणु परीक्षण में बेनबेरी नाम का एक 10 किलोटन वजनी परमाणु बम जमीन के अंदर कुल 270 की गहराई में टेस्ट किया जा रहा था, जिसको लेकर वैज्ञानिकों समेत अमेरिकी सेना भी बेहद उत्साहित थी, क्योंकि उनका मानना था कि अगर ये टेस्ट सफल होता है तब अमेरिका का नाम दुनिया भर में और भी ज्यादा बुलंद हो जाएगा। वैसे शायद ही आप इस बारे में जानते हैं कि इस टेस्ट के दौरान परमाणु हथियार में जितना ज्यादा यूरेनियम इस्तेमाल किया गया था, उतना इससे पहले अमेरिका द्वारा किसी भी परमाणु हथियार में इस्तेमाल नहीं किया गया था, जिस वजह से ये टेस्ट अमेरिका के लिए बेहद अहम था, क्योंकि इसके सफल होने से अमेरिका की सैन्य ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती। हालांकि इस टेस्ट से पहले स्वयं परमाणु वैज्ञानिकों तक को ये मालूम नहीं था कि ये टेस्ट सफल भी होगा या नहीं, जिस वजह से ये सभी के लिए एक चिंता का विषय बन चुका था। खैर, भले ही वैज्ञानिकों को इस टेस्ट के सफल होने या ना होने की चिंता थी, पर वो एक बात से बिल्कुल निश्चिंत थे कि इस टेस्ट से पर्यावरण समेत जीव जंतु और इंसान पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हालांकि असलियत में ऐसा होता हुआ कहीं से भी नजर नहीं आया, क्योंकि जब जमीन के अंदर इस परमाणु परीक्षण को अंजाम दिया गया, तब इसके विस्फोट के कुछ देर बाद ही एक दूसरी जगह मौजूद जमीन की सतह पर जोर का धमाका हुआ, और उसके अंदर से खतरनाक रेडियो एक्टिव वेपर क्लाउड निकलने लगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस रेडियो एक्टिव क्लाउड का आकार बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जो धरती की सतह से करीब 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था। जिस तरह कोई नई घटना शुरुआत में हमें समझ नहीं आती, ठीक उसी तरह यह घटना भी वहां मौजूद कर्मचारियों, सैनिकों और वैज्ञानिकों की समझ से बाहर थी। लेकिन बदकिस्मती से जब तक वो इस बात को समझ पाते कि आखिर क्या हुआ था, तब तक बहुत ज्यादा देर हो गई, क्योंकि इस परमाणु विस्फोट से उत्पन्न हुए रेडियो एक्टिव वेपर क्लाउड से
रेडिएशन रेन होना शुरू हो गया, जो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि अगर कोई गलती से भी इसकी चपेट में आ जाए तब तुरंत ही उसकी मौत हो सकती है। इस रेडिएशन रेन को देखकर नेवादा टेस्ट साइट पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए और वहां पर भगदड़ जैसा माहौल हो गया, क्योंकि सभी को अपनी जान बचानी थी। लेकिन जब तक हर कोई इसकी चपेट में आने से बच पाता, तब तक इसने वहां मौजूद कुल 86 कर्मचारियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिनमें से 2 कर्मचारी तो इस रेडिएशन से इतनी बुरी तरह से प्रभावित हुए थे कि उन्हें तुरंत ही कैंसर हो गया था, जिसके बाद महज कुछ ही दिनों के अंदर इलाज करवाते वक्त उनकी मौत हो गई थी। अब आपका यह सोचना लाजमी सी बात है कि आखिर इस परमाणु परीक्षण में अमेरिका जैसे देश से गड़बड़ी कैसे हो गई थी, क्योंकि इसके पहले किसी परीक्षण में ऐसा कुछ नहीं देखा गया था। दोस्तों, अमेरिका की एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कमीशन द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट की माने तो इस परीक्षण में हुई गड़बड़ी का मुख्य कारण नेवादा टेस्टिंग साइट के आसपास मौजूद पानी था, जिसकी मात्रा इतनी ज्यादा थी कि उसके मिट्टी के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स को बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दिया था, जिसके बाद जब ये टेस्ट हुआ तब उसके विस्फोट को जमीन के अंदर मौजूद मिट्टी के कण इसे झेल नहीं पाए, और एज अ रिजल्ट टेस्ट वाली जगह से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद एक दूसरी जगह की जमीन के अंदर से रेडियो एक्टिव वेपर क्लाउड बाहर आने लगे, जिसने सबको मुश्किल में डाल दिया था। शायद ही आपको इस बारे में पता हो कि जब इस दुर्घटना का कारण दुनिया के सामने आया था तब इसमें मरने वाले कर्मचारियों के परिवार ने अमेरिका की सरकार के ऊपर मुकदमा भी दर्ज कराया था, क्योंकि उनके मुताबिक ये दुर्घटना अमेरिका के वैज्ञानिकों की गलती का नतीजा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस परीक्षण के कुछ दिनों बाद टेस्टिंग साइट पर क्या क्या दुष्परिणाम देखने को मिले थे। वेल, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस साल जारी होने वाली टाइम मैगजीन के संस्करण में इस परमाणु परीक्षण को सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बेकार परमाणु परीक्षण करार दिया गया था। इतना ही नहीं, अगर उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स पर ध्यान दिया जाए तो उनमें यह बताया गया था कि इस परीक्षण के बाद उत्पन्न हुआ रेडियो एक्टिव वेपर क्लाउड को नेवादा से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लास वेगास से भी देखा जा सकता था, जो कि अपने आप में ही एक अचंभे की बात है। हालांकि अगर आपको लगता है कि जब इसमें सिर्फ 86 कर्मचारी ही प्रभावित हुए थे तब इसे अमेरिका परमाणु इतिहास का सबसे खराब परमाणु परीक्षण क्यों माना गया था, तो जान लीजिए कि शुरुआती समय में इससे केवल 86 लोगों को ही प्रभावित होने की खबर आई थी, पर बाद में यह भी मालूम हुआ था कि इस टेस्ट ने आसपास के इलाकों सहित बहुत से करीब के शहरों के लोगों को भी नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि इस दुर्घटना के बाद नेवादा के आसपास के इलाकों में कैंसर के मामलों में इजाफा हो गया था। ऐसा माना जाता है कि इस हादसे से निकली रेडिएशंस आज भी नेवादा की उस टेस्टिंग साइट के वातावरण में मौजूद हैं, इस कारण बहुत ही कम लोग इस इलाके में जाने का साहस जुटा पाते हैं। एक बार जब इस परीक्षण के बाद यह दुर्घटना सामने आई तब दुनिया भर के परमाणु संपन्न देशों के मन में भय उत्पन्न हो गया, क्योंकि अभी तक उन्हें यही लगता था कि जमीन के अंदर होने वाले परमाणु परीक्षण बेहद सुरक्षित होते हैं, पर इस हादसे ने उन्हें गलत साबित कर दिया। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब अमेरिका जैसे शक्तिशाली और एडवांस टेक्नोलॉजी वाले देश ने भी कई महीनों के लिए जमीन के अंदर होने वाले परमाणु परीक्षणों को बंद कर दिया। खैर, बाद में इन परीक्षणों को फिर से शुरू किया गया, क्योंकि फिलहाल जमीन के अंदर होने वाले परीक्षणों से सुरक्षित कोई दूसरा विकल्प नहीं है। भले ही अभी भी ये परीक्षण जमीन के अंदर होते हों, पर अब इस बात का पूरा ध्यान दिया जाता है कि इनसे कोई हादसा ना हो, और हादसों की इन्हीं संभावना को तलाशने के लिए और उन्हें कम करने के लिए अब परमाणु वैज्ञानिकों के साथ और भी ज्यादा वैज्ञानिकों की टीम काम करती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।